friends, myself Pooja. आज हमारा lesson number 5, the little blue kite, यानी कि एक छोटा little blue kite है. तो हम यहाँ पे lesson की story है वो समझेंगे. इसमें जो है एक little blue kite है छोटा, वो जिसको ऊंचाई पर उड़ने से डर लगता है. और उसकी एक येलो कलर की पूंछ है और उसका बाकी का कलर है वो ब्लू कलर है. तो और वो ऊंचाई पर उड़ने से डरता है. और जिसका ये पतंग होता है उस लड़के का नाम होता है बिट्टू. एक दिन बिट्टू जो है पतंग को उड़ाने के लिए लेके जाता है और जो लिटिल ब्लू काइट है वो एक पेड़ की पत्तियों में अटक जाता है. बिट्टू जो है उस पतंग को खींचता रहता है नीचे निकालने के लिए, लेकिन जो पतंग है वो निकलता नहीं है और पतंग से जो है डोर टूट जाती है, जिसकी वजह से बिट्टू जो है बहुत उदास होता है. और बिट्टू उस पतंग को छोड़कर, उसी पेड़ पर छोड़कर घर वापस चला जाता है. पतंग उसी जगह रहकर पेड़ की पत्तियों में छुपा रहता है और वो सो जाता है सपने में जो है देखता है. तो फिर पतंग है जो पेड़ सो जाता है तो वो अपने सपने में देखता है कि एक ग्राउंड है, चारों तरफ एक मैदान है. उस मैदान में बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगे हैं, रेड, येलो, पर्पल और ब्लू कलर की जो है काइट है. उनका मुंह है, फेस है वो कलर से डेकोरेट किया गया हुआ है. वो सबकी लंबी लंबी पूंछ है. और सपने में जो है लिटिल ब्लू काइट देखता है कि इन सभी पतंगों की है जो रेस होने वाली होती है. सभी पतंग है जो एक्साइटेड होते हैं कि रेस में हम हिस्सा लेंगे. एक पतंग है जो ब्लू काइट से, नीले काइट से पूछता है कि क्या तुम रेस में हिस्सा नहीं लोगे. तो ब्लू काइट मना कर देता है. वो रीज़न पूछता है कि तुम क्यों हिस्सा नहीं लोगे. तो वो बोलता है कि मुझे उड़ने से डर लगता है. तो वो दूसरा पतंग है उसको समझाता है कि क्या हो गया, तुम डरते क्यों हो. डर तो हमें भी लग रहा है कि हम इतना ऊंचा कैसे उड़ेंगे, लेकिन इस रेस में, इस प्रतियोगिता में बहुत मज़ा आएगा. लेकिन जो है ब्लू काइट उसमें जाने से मना कर देता है. जैसे ही जो है रेस शुरू होने वाली होती है तभी जो है लिटिल ब्लू काइट की आँखें जो है वो खुल जाती है उसके सपने से. और वो सपने से उठने के बाद अपने आप को बहुत घबराया हुआ महसूस करता है और देखता है कि नीचे जो है बिट्टू खड़ा हुआ है. बिट्टू इसलिए खड़ा हुआ रहता है क्योंकि वो अपने पतंग लेने के लिए आया था और जो लिटिल ब्लू काइट था वो पेड़ पर अटका हुआ था. जब उसने लिटिल ब्लू काइट ने अपने सपने में से उठा तो उसने एक सांस, गहरी सांस ली. घबराने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को सुरक्षित महसूस किया. और बिट्टू जो है उस पेड़ पे से इस पतंग को उतारने में सफल हो जाता है और अपने घर चला जाता है. ये है लिटिल ब्लू काइट की स्टोरी. अब हम इसके करेंगे वर्ड मीनिंग. Salam.
देना। नेक्स्ट प्रीति, सुंदर। मोस्टेज, मुझे। ये है हमारे वर्ड मीनिंग। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आंसर है, हमें उनके आंसर देने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू हूम द काइट बिलोंग। Was in its
the kite flew after she जब लिटिल ब्लू काइट की सपने से आंख खुली तो उसने अपने आप को कहा और किसको देखा। हमारा आंसर है लिटिल ब्लू काइट वॉक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि हमें फिलअप दिए गए हैं हमें वो फिल करने हैं। तो हमारा फर्स्ट फिलअप क्या है ए लिटिल ब्लू काइट इन ए herself among
लीजिए जो ब्लू काइट के अलावा और जो कलरफुल पतंगे थी उनका फेस जो है कलर से पेंट था। तो ट्रू। नेक्स्ट ब्लू काइट वाज एक्चुअली पेंट Bridge, help,
हवा चल रही थी तो ब्लू काइट पर, तो जो दूसरे कलरफुल काइट थे वो क्या कर रहे थे? तो हमारा